नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंगित वाजपेयी एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आर ग्रीन प्लैनेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्त, लास्ट ईयर विंटर सीजन में मैंने इन्हीं बॉटल्स में आपको टोमेटो प्लांट और मैरीगोल्ड के प्लांट ग्रो करके दिखाए थे, और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें ग्रो कर सकते हैं कॉस्मस के पौधे, क्योंकि मेरे पास काफी क्वेरी आ रही थी। आप लोगों ने बहुत वो वीडियो पसंद किया और आप उससे पूछ रहे थे कि सर, इस मेथड से हम और कौन से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो मोस्टली इसमें दोस्तों हम सीजनल प्लांट ग्रो कर सकते हैं जो कि फूल के हैं, जिनके स्टेम थोड़े से स्ट्रांग होते हैं ताकि वो अपना वेट संभाल सकें। तो इसी कैटेगरी में ये नया वीडियो है जिसमें कि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कॉस्मस के प्लांट को भी इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ सीडलिंग करी थी और ये कुछ अपने पौधे तैयार किए थे, तो आज इनको ही हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो इसके लिए जो हमको जरूरत पड़ती है वो पड़ती है एक कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल की, जिसकी बॉटम को आपको कुछ इस तरीके से कट कर लेना है, इस तरीके से या इस तरीके से। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में काफी लोगों ने पूछा था कि सर, आप ये कैसे कट करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है। आपको अपने किचन का नाइफ लेना है, चाकू जिसको कहते हैं हम, उसको लेंगे और उसको गैस में काफी गर्म कर लेंगे। जब वो काफी गर्म हो जाएगा, रेड कलर का होने लगेगा, देन हम उससे बड़ा शार्पली इसको कट कर लेंगे और ये बहुत ही स्मूथ तरीके से कट जाता है। जिस शेप में आपको इस प्लास्टिक की बॉटल को काटना है, उस शेप में आप इसको काट सकते हैं। देन हम इसमें कर लेते हैं बीच में होल और उसको इस प्लास्टिक की डोरी से बांध लेते हैं ताकि हमको बाद में इस बॉटल को टांगने में आसानी हो। और जो दूसरी चीज है वो हमको लेना है इस तरीके से एक मोटा कॉटन का कपड़ा और एक कैंची की हेल्प से हम इसके बॉटम में कर लेंगे एक होल। कुछ इस तरीके से तो वैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये काफी हेल्दी प्लांट भी है, लेकिन मैं इसको आपको नहीं सजेस्ट करूंगा लगाने के लिए, क्योंकि जब आप इसको बॉटल से बाहर डालेंगे तो इसके लगने के चांसेस कम हो जाएंगे और ये डैमेज हो जाएगा। इसलिए आप ज्यादा बड़ा प्लांट ना लें और आप कुछ इस तरीके का एक आइडियल साइज ही प्लांट लें जो कि 20-25 दिन ओल्ड हो, उससे ज्यादा पुराना प्लांट ना हो। तो अब हम एक आधी कटी हुई खाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेंगे और उसके ऊपर हम इसको आराम से रख देंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ये बीच का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और मैंने इसमें सॉइल भर ली है। देन उसके बाद मैंने देखा कि ये वीडियो चल नहीं रहा था। खैर, कोई बात नहीं, मैं अभी जो दूसरी बॉटल में प्लांट लगाऊंगा उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे मैंने इसमें सॉइल डाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने इसमें पॉटिंग मीडिया यूज की है, इसमें मैंने बेसिकली तीन चीजें ली है, जिसमें ऐड है 50% गार्डन सॉइल और उसमें ऐड किया है 20% कोकोपीट। इसकी ऑप्शन में आप रिवर सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो मैंने ली है वो 30% वर्मी कंपोस्ट ली है। इसकी जगह पे आप गोबर की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर भी लिख कर आ रही है, तो आप उसको देखकर नोट कर सकते हैं और इसी रेशियो में आप पॉटिंग मीडिया बनाएं और उसमें ही इस आप कॉस्मस के पौधे को ग्रो करें। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। तो दोस्तों, अभी हमारा प्रोसेस हो गया है कंप्लीट और अभी हम इसको डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखेंगे। अगले 7 से 10 दिन तक हम इसको पार्शली शेडेड एरिया में रखेंगे, जहां मॉर्निंग और इवनिंग की 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है और बाकी डे टाइम में सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता हो। तो चलिए अब हम बिल्कुल सेम प्रोसेस से अपना दूसरा पौधा भी दूसरी बॉटल में लगाते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस प्रोसेस से प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए जो बेस्ट सीजन है वो दो है, एक मॉनसून सीजन और दूसरा विंटर सीजन। क्योंकि अगर आप समर सीजन में इसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे और जब टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर चला जाएगा तो आपके ये पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको मॉनसून और विंटर सीजन में ही ट्राई करें, जब टेम्परेचर 30 डिग्री या 30 डिग्री के नीचे हो। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट और अब हम मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों, यह है अपडेट 4 दिन के बाद का और अब आप देख सकते हैं कि जो हमने ये कॉस्मस के प्लांट लगाए थे ये ऊपर की तरफ बेंड होने लगे हैं, क्योंकि प्लांट की टेंडेंसी होती है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ ही जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये बेंड हो गए हैं ऊपर की तरफ। तो इस स्टेज पर हमको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, हम 6 से 7 दिन में ही एक बार पानी देंगे और वो भी तब जब हमको अपने बॉटल की सॉइल ड्राई दिखने लगेगी, तब थोड़ा सा पानी दें, क्योंकि इस टाइम पे हमारे प्लांट बहुत छोटे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है और अभी भी हम इनको पार्शली शेडेड एरिया में रखेंगे।
तो दोस्तों ये है अपडेट 40 दिन के बाद का, और अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से हमारा ये प्लांट ऊपर की तरफ बेंड हो गया है। और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए डेडिकेटेड है जो कि मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा गार्डनिंग का स्पेस नहीं है लेकिन वो गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो 40 दिन के बाद से अब हम इसको महीने में एक बार फर्टिलाइजर देंगे और डेली वाटरिंग करेंगे, क्योंकि अब हमारा ये प्लांट इतना सफिशियंट हो गया, इतना बड़ा हो गया है कि इसको दिन में एक बार हमको इसको पानी देना है। या तो हम इसको अर्ली मॉर्निंग पानी देंगे या तो फिर लेट इवनिंग के टाइम पे हम इसको पानी देंगे, दिन के टाइम पे आप इसको बिल्कुल भी पानी ना दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डोरी से बांध भी दिया है ताकि तेज हवा चलने पे हमारा ये मेन स्टेम डैमेज ना हो, टूटे ना, इस वजह से आप भी इसको इस तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से हमारा ये प्लांट ग्रो कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों ये है अपडेट 60 दिन के बाद का, और अभी भी हमारा प्लांट काफी हेल्दी है और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, और इसकी ग्रोथ में मुझे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है और ना ही किसी भी तरीके का हेल्थ इश्यू लग रहा है। लेकिन अभी दोस्तों हमारा ये प्लांट काफी बड़ा हो गया है और उसके हिसाब से हमारे स्पॉट की साइज छोटी है, जिसकी वजह से मेरा पौधा बार बार सूखा जा रहा था। इस वजह से हमने एक ये टेम्परेरी सेल्फ वाटरिंग प्रोसेस ट्राई किया है, जिसमें कि मैंने एक ये सिंपल कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है और इसको इस स्टोन की हेल्प से सॉइल में दबा दिया है, और इसका सेकेंड पोर्शन हमने इस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में पानी में डुबो दिया है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे करके उसमें पानी हमेशा पहुंचता रहेगा और उसकी वजह से हमारी सॉइल में हमेशा नमी बनी रहेगी और इस वजह से आपका पौधा सूखेगा नहीं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जब आपके प्लांट बहुत जल्दी सूखने लगते हैं और पॉट की साइज छोटी है, समर सीजन है, तो उस केस में आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी बॉटल में आप पानी ले रहे हैं वो आपके पॉट की साइज से ऊपर होनी चाहिए। तो अभी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, बस एक चीज का ख्याल रखना है कि महीने में एक बार आपको इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि पॉट की साइज छोटी है, इसमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपके पौधे की हेल्थ खराब हो जाएगी, वीक हो जाएगा, और जब इसमें फ्लावरिंग का टाइम आएगा तो उस टाइम पे या तो इसमें कलियां नहीं आएंगी या फिर सिर्फ एक दो फूल ही आएंगे। तो आपको इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। दोस्तों यह है अपडेट 98 डेज के बाद का, और अब इसमें आ चुके हैं फूल, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से इसके हेल्थ में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें फूल आ रहे हैं। बस आपको एक चीज का याद रखना है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर आपको इस मेथड को ट्राई करना है तो सिर्फ और सिर्फ विंटर या मानसून सीजन में आप इस मेथड को ट्राई करें। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसमें ढेर सारी कलियां और फूल आने लगे हैं, और आने वाले टाइम में इसमें और ढेर सारी कलियां आएंगी। बस यहां से आपको इसको हर 15 से 20 दिन पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी में घोल कर देते रहना है ताकि हमारे प्लांट की हेल्थ अच्छी बनी रहे। तो दोस्तों ये है फाइनल अपडेट 101 दिन के बाद का, और अभी ये हमारा पौधा पूरी तरीके से तैयार हो गया है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग आ रही है। तो इस तरीके से आप भी बहुत कम स्पेस में इस तरीके के सीजनल फ्लावर के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसी सिटीज़ में रहते हैं या फिर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है गार्डनिंग करने के लिए, तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही आसान तरीके से इस मेथड को अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है और बहुत ही आसानी से ये पौधे तैयार हो जाते हैं और देखने में भी बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पौधे तैयार करते हैं तो आप अपने गार्डन को एक नया लुक भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप में से जो भी पहली बार मेरा चैनल देख रहा है तो प्लीज रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और मेरे वीडियोस को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो हमारा अपना चैनल आर ग्रीन प्लैनेट। फिर मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।